हम बात कर रहे हैं कोल इंडिया की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो स्टॉक में हमको 1% के ऊपर के अपसाइड के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। गिरावट के बाद लगातार तेज़ी दिखाई, स्टॉक ने 490 के लेवल से रिजेक्शन लिया। आपको याद भी होगा कि हमने इस लेवल को 460 के लेवल को मेजर सपोर्ट के तौर पर डिस्कस किया था और हम देख सकते हैं स्टॉक ऑलमोस्ट उसी लेवल से बाउंस बैक होता नज़र आ रहा है। हमको उसी लेवल से स्टॉक में जो है तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। नीचे की ओर 460 का लेवल इसका मेजर सपोर्ट है। अगर ब्रेकडाउन कर जाता है तो वैसे कंडीशन में फिर 440 तक का भी फॉल कोल इंडिया दिखा सकता है, लेकिन यहाँ बने अपसाइड के चांस, क्योंकि देख सकते हैं कि स्टॉक ने ऑलमोस्ट 410 के लेवल से 410 के लेवल से बाउंस बैक दिखाया है। 490 तक का जंप आया, लेकिन गिरावट आई तो बड़ी गिरावट देखने के लिए नहीं मिली। जहाँ से स्टॉक ने ब्रेकआउट के बाद बड़ा जंप दिखाया था उसी लेवल पर सपोर्ट लेता नज़र आ रहा है और यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। इमीडिएट टारगेट बनेगा यहाँ से 480 का लेवल, जो कि कोल इंडिया के लिए मेजर रेजिस्टेंस का रोल प्ले करने वाला है। इसको ब्रेकआउट करके सस्टेन होना, 2-3 दिन सस्टेन होना इम्पॉर्टेंट है कोल इंडिया के लिए लगातार तेज़ी के लिए। क्योंकि दोस्तों अगर चार्ट पैटर्न पर हम देखें तो इस रेंज में स्टॉक ने ब्रेकआउट दिखा चुका था 480 का लेवल, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया। अगेन यहाँ से रिजेक्शन लेकर गिरावट देखने के लिए मिली, इसीलिए 480 के ऊपर स्टॉक को 2-3 दिन सस्टेन होना इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर सस्टेन हो जाता है कोल इंडिया तो फिर यहाँ से और बड़े टारगेट दिखा सकता है, फिर अगला टारगेट 500 और इस बाउंस बैक के साथ फिर 520 तक का भी जंप कोल इंडिया में देखने के लिए मिल सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।